हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। दोस्तों, इससे पहले आपने कक्षा 10 का जो जय प्रक्रम का चैप्टर था उसका दो पार्ट आपने देख लिया है। अब तीसरे पार्ट में हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन उसको करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है हीम की वजह से, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल की वजह से, तीसरा है विटामिन सी की वजह से और चौथा है पोटेशियम की वजह से। हीम की वजह से। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारा हीमोग्लोबिन शब्द होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो जो है वो आयरन की वजह से बनता है और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होता है। तो पूछा भी जाता है अगर हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है रक्त में और उसमें हीम नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से जो रक्त का रंग होता है कैसा होता है, लाल होता है। अगला प्रश्न है, लसिका में नहीं पाई जाती है क्या? लाल रुधिर कणिका, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिर रुधिराणु या उत्सर्जी पदार्थ? लाल रुधिर। तो ध्यान में रखेंगे जो लसिकाएँ होती हैं उसमें क्या नहीं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाती, जबकि जो लिम्फोसाइट है श्वेत रुधिराणु होती है और उत्सर्जी पदार्थ है क्या है, WBC के अलग अलग नाम है और इसमें सब WBC के कार्य होते हैं। लसिका जो है WBC का ही अंग होता है। जैसे कि आप अगर हम बात करते हैं तो अगर RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, और WBC का कितना होता है, 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन कह सकते हैं, ठीक है। और WBC से एक चीज़ हमने याद करना सिखाया था कि अगर तुम्हें कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुलता है, तो याद करना WBC कौन सा होता है, बी और सी होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित करते हैं कौन, फ्लोएम, जाइलम, मज्जा से या वल्लिकुट से? जाइलम। तो ध्यान में रखेंगे जल की अगर सम्मान की बात करेगा तो आपको जा से याद करना है जाइलम, अगर फूड यानी भोजन की बात करता है तो फ्लोएम से याद करेंगे। तो या फॉर फ्लूड या फॉर भोजन, फूड से फ्लोएम याद कर लीजिएगा पहला वर्ड देख करके। फ्लोएम मतलब कि भोजन की बात कर रहा है और जाइलम का मतलब कि जल का और संवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य होता है जाइलम द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, जो पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? पहला है जल का वहन करने में, दूसरा है भोजन का वहन करने में, तीसरा है अमीनो अम्ल का वहन करने में, या चौथा ऑक्सीजन का वहन करने में। जैसे भी जल का जाइलम का नाम आएगा तो आपको ध्यान रखना है जल पर जाना है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में? तो ध्यान में रखेंगे जो क्योंकि हमको पता है पेड़ पौधे क्या है, भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो सुक्रोज का ही एक रूप होता है जो ग्लूकोज होता है, इसलिए क्या करेंगे सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का होता है स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, जाइलम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा या मज्जा द्वारा? जैसे ही भोजन की बात होगी तो फूड याद करना है इंग्लिश का शब्द और पहला वर्ड उसको देखना है, दोनों को मिला देना है, समझ में आ जाएगा तुरंत, फ्लोएम याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिक्सन एवं जैली इसको लिख लीजिएगा, गलत थोड़ा लिखा है, संबंधित है रसारोहण से, परासरण से, अवशोषण से या विसरण से? तो ध्यान में रखेंगे जो रसारोहण होता है वो डिक्सन एवं जैली जैसे शब्दों से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण या उत्सर्जन? लैंगिक लक्षण। तो ध्यान में रखेंगे कि हमको पता है जो त्वचा होती है हमारी संवेदना को हम बताती है, समझाती है, सुरक्षा प्रदान करती है और उत्सर्जन में ये सहायक होती है। अगर आप 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम पूछे तो कौन कौन से हो जाएंगे? बोलिए, एक लोग आँख नाक कान, त्वचा, मुँह नहीं होता, जीभ होता है, ठीक है। तो आँख नाक कान त्वचा और जीभ, ये क्या होते हैं, 4 5 होते हैं जो हमारे ज्ञान इंद्रिया होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि इस रूपांतरित रचना है किसका है, या इसका अलग प्रश्न पूछ सकता है, कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? पहला है श्वेत ग्रंथि, दूसरा है तेल ग्रंथि, तीसरा है लार ग्रंथि और चौथा है जठर ग्रंथि? ध्यान में रखेंगे इसका नाम क्या है, तेल ग्रंथि। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है कौन करता है, अग्नाशय करता है, यकृत करता है, अमाशय करता है या वृक्क करता है? तो ध्यान में रखेंगे जो हमारा अगर
परिवर्तन करने की बात करेगा तो यकृत करता है। और यकृत में तीन चीज़ और ध्यान रखना, दो चीज़ को, एक तो यकृत में जो बाइल जूस होते हैं जिसको हम कहते हैं पित्तरस, वहीं पर इसका निर्माण होता है, और दूसरा है विटामिन ए का निर्माण भी यकृत में होता है। और तीसरा आपने ध्यान लिया यकृत का कार्य क्या है, जो यूरिया है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य किसका होता है, यकृत का होता है। अगर इसी को यहाँ पे परिवर्तित कर रहा है, इसको अलग करने की बात करेगा यानी छानने का काम करेगा, कौन करता है तो ब्रिक करता है, इसको हम किडनी कहते हैं, ठीक है। तो अगर छानने की बात आएगा तो किडनी, और परिवर्तित करने की बात कर रहा है तो आपको यकृत ध्यान रखना, लीवर याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ब्रेक एवं ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। उत्सर्जन से। तो ध्यान में रखेंगे ब्रेक का काम क्या होता है, उत्सर्जन करना, इससे मूत्र होता है उसको निकालता है, इसको पानी जो हमारा खून रहता है उसको छनित्र करके उसमें से यूरिया अलग करता है, ब्लड को अलग करने का काम करता है, तो फिर उसका दो जो यूरिया होता है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बोवेन संपुट भाग है, बोवेन संपुट भाग किसका है, पित्त वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, प्रोटेस्ट ग्रंथि का या ब्रिक नलिका का। तो ध्यान में रखेंगे जो बोवेन संपुट भाग होता है वो किसका होता है, ब्रिक नलिका का भाग होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गर्मियों के दिन में किस कारण दोपहर में पौधे जो होते हैं मुरझा जाते हैं, अक्सर आपने देखा ही होगा। तो पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, या वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, या प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, या प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जैसे कि वहाँ पे आपको पता है दोपहर के समय काफ़ी ज़्यादा से पानी का उसमें निकल जाता है पेड़ पौधों से, मनुष्य का खुद ही निकल जाता है, तो पेड़ पौधे तो भाई वैसे भी धूप में रहते हैं, इसकी वजह से किसकी वजह से निकलता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, इसकी वजह से निकल जाने के कारण ये पेड़ पौधे होते हैं मुरझा जाते हैं, अगर उसको पुनः पानी मिलेगा तो फिर हरे भरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है क्या होता है, उत्सर्जी वर्ज्य या पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन या अमीनो अम्ल का संवहन। जल का संवहन। तो ध्यान में रखेंगे जैसे ही जाइलम का बात आएगा, जा से उसका पहला वर्ड देखना, उसका भी देखना आंसर में, जहाँ पे जा दिखाई दे तुरंत उसे पे पहुँच जाना, यानी जा का जाइलम का संबंध किससे होता है, जल से होता है। कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकांड्रिया, ATP, ग्लूकोज या पाइरूवेट। तो इसको मैंने पहले पार्ट में हम लोग कर लिए थे, तो यह ध्यान में रखेंगे ATP, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, अभी इसको डिटेल में हमने बताया था, पहला ऑप्शन है पित्ताशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है अमाशय। तो पित्तरस का अगर स्राव या कहाँ से बनता है तो यकृत से बनता है, इकट्ठा कहाँ पे होता है तो पित्ताशय में, ये चीज़ ध्यान रखना, पित्ताशय में इकट्ठा होता है और बनता कहाँ पे है, यकृत में। केवल जल में घुलनशील होता है क्या, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो जैसे कि आपको पता है WBC से याद कर लीजिए, बी और सी जल में घुलती हैं, जबकि ए डी ई के जो चार होती हैं वो मुख्य रूप से जो देखी जाए तो किस में, वसा में घुलती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ATP तथा NADP2.2H का निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीसोम्स में या लाइसोसोम्स में। क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, जैसे कि ATP और NADP.2H का निर्माण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। इसका प्रश्न ये हम लोग पहले पार्ट में कर चुके थे। अगला प्रश्न है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, कौन बना होता है, जीवाणु बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट बने होते हैं, विषाणु बने होते हैं या प्रायंस। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारे विषाणु होते हैं वो केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा है कोरोना वायरस का COVID-19, तो वो किसी उसका रिसर्च इसी के माध्यम से होता था कि प्रोटीन्स उसका हम DNA निकालते थे, न्यूक्लिक अम्ल निकाल करके उसके प्रोटीन्स के बारे में रिसर्च करते थे, उससे हमको पता चला कि ये कौन सा वायरस है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसके बारे में जानना चाह सका, क्योंकि किसके बने होते थे, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के। और जैसे कि आपको पता है अगर कोई वैक्सीन लगाई जाती है तो यही जो होते हैं, जिस जो हमारा वायरस होता है वही को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, या तो हम जिंदा ही डाल देते हैं या तो थोड़ा सा मुड़ उसको अनकॉन्शियस करके डालते हैं। लास्ट प्रश्न है जो कि इस चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न है, उसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। द्वार कोशिका पाई जाती है जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, उपरोक्त सभी में, द्वार कोशिका की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान में रखेंगे जो रंध्र होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी में आपकी वात कोशिका द्वार कोशिका पाई जाती है। और इसी साथ ये पूरा चैप्टर जो था लगभग
50-55 क्वेश्चन इसमें थे और हमने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बताई थी, वो कंप्लीट होता। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।